वेलकम डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका डस्ट फाइनेंस चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम क्रिसिल से रिलेटेड एक न्यूज़ आपके पास लेकर आ रहे हैं। क्रिसिल जो एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है, इसको आगे हम समझते हैं। पहले देखते हैं इसने स्टॉक एक्सचेंज को क्या इन्फॉर्मेशन दी है। आप देख सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने बताया है कि ये फाइनल डिविडेंड एक देंगे जिसकी वैल्यू होगी 14 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फाइनल होगा अप्रैल 2021 की इनकी एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में, यानी 20 अप्रैल 2021 को जो AGM इनकी होने वाली है उसमें ये 14 रुपये पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड डिसाइड करने वाले हैं, देने वाले हैं। अगर क्रिसिल के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रिसिल की ग्रोथ अभी प्रेजेंट प्राइस क्या है, 1904 रुपीज़ है। और अगर PE की बात करें तो 40 की PE पे ये मिल रहा है, जो कि इसकी मीडियम PE से हाई है, इसलिए सस्ता और महंगा दोनों ही नहीं कह सकते इसको अभी। लेकिन इसमें लंबे समय के लिए इस भाव पर इन्वेस्ट करना अभी ठीक नहीं होगा। अभी देखते हैं इसकी PE, आप देख सकते हैं इसके पीयर्स से भी बहुत महंगी है, तो इसलिए हम इसको अभी लॉन्ग टर्म में इस भाव पे सस्ता नहीं कह सकते। इसकी ग्रोथ देखेंगे आप प्रॉफिट की, तो ये देखिए 2009 से लेके अभी तक लगभग डबल हो चुका है प्रॉफिट, इसी वजह से इसकी प्राइस में भी ग्रोथ है, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। और इसमें कोई नेगेटिव एक्टिविटी अगर हम देखें तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी मेंटेन हुई है 67%, इसलिए ग्रोथ वाली कंपनी है, इसलिए प्रमोटर को इस पर भरोसा भी है, इसलिए इसमें कुछ नेगेटिव ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। खाली वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर अभी महंगा है। देखिए क्रिसिल की शेयर प्राइस आप गूगल पर भी देख सकते हैं, ये देखिए 1999 में 46 रुपीज़, इवन 1110 रुपीज़ का शेयर आज 2000 रुपये का है लगभग, ठीक है। और इसकी डिविडेंड हिस्ट्री हम देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि काफ़ी लंबा इसका हिस्ट्री है डिविडेंड प्रोवाइड करने का, ज़्यादा लंबे में नहीं जाते हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप फाइनल डिविडेंड 14 रुपीज़ का, उससे पहले इंटरिम दिया है 7 का, फिर इंटरिम दिया है 6 का, और फिर दिया है 6 का, तो यानी आप इनका टोटल करें तो 33 रुपीज़ का एक डिविडेंड ईयरली ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो डिविडेंड की वैल्यूएशन डिविडेंड के हिसाब से अच्छी है, तो इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भाव डाउन आए किसी भी मंदी वाले मार्केट में तब इसमें बल्क में इन्वेस्ट करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, यही न्यूज़ देने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाया था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।